फिनलैंड राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां पर फ्लोरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु। उसे बत्तखों से बड़ा ही लगाव था। फ्लोरा के पिताजी फिनलैंड के बादशाह के करीबी दोस्त थे, इसीलिए बादशाह ने उनके बेटे की शादी फ्लोरा से तय की थी, पर फ्लोरा के पिता वो शादी देख ना पाए। पिताजी के जाने के बाद फ्लोरा की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें आज ही बादशाह के बेटे से मिलने जाना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे माँ। रास्ता बड़ा दूर का था, इसीलिए माँ ने फ्लोरा के साथ एक सेविका भी दे दी थी, जिसका नाम था क्लैरी। क्लैरी बड़ी ही धूर्त और कपटी थी। दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर आने पर फ्लोरा को प्यास लगी। सुनो क्लैरी, थोड़ा पानी लाना। तो हाय, मेरा पैर। क्या हुआ क्लैरी, तुम रो क्यों रही हो? लगता है मेरे पाँव में मोच आई है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाऊंगी। अरे अरे क्लैरी, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं खुद नदी पर जाकर पानी ले आती हूँ, तुम यही आराम करना। फ्लोरा अपने घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए नदी के पास पहुँचती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है, क्लैरी उसे धक्का मारकर पानी में ढकेल देती है। क्लैरी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, मैं जानती हूँ, अब फ्लोरा बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। हाँ, कितना सुंदर है ये तो, अब इसे मैं पहनूंगी। क्लैरी ने फ्लोरा के कपड़े पहन लिए और उसका घोड़ा लेकर वो आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ फ्लोरा नदी के तेज बहाव से बहती हुई फिनलैंड के उसी शहर में आ पहुंची जहाँ पे वो बादशाह रहता था। वहाँ के मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला। वो बेहोश थी। जैसे ही वो होश में आई, उसे कुछ भी याद ना आ रहा था, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तभी घोड़े पे सवार क्लैरी वहाँ पर आ पहुंची। फ्लोरा को वहाँ देखकर वो डर गई, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त खो गई है, उसे बड़ी खुशी हुई। अरे, ये तो मेरी नौकरानी क्लैरी है, मेरे कपड़े और जवाहरात लेके भाग रही थी, लेकिन तभी पाँव फिसलकर वो नदी में जा गिरी। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बेचारी फ्लोरा, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दोनों को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने क्लैरी को फ्लोरा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और बेचारी फ्लोरा को पूरे बाड़े की बत्तख संभालने की सजा फरमाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फ्लोरा हमेशा बत्तखों को लेके नदी के पास घूमने जाया करती थी। उसके साथ जॉन नाम का एक छोटा लड़का भी रहता था। फ्लोरा बड़े ही प्यार से बत्तखों की देखभाल किया करती थी। जब भी वो बत्तखों को बाड़े से निकालकर नदी की तरफ सैर करने निकलती, वो गाना गाने लगती। झूमते चलेंगे हम, गाते चलेंगे हम, सच्चाई का पकड़ के हाथ, नाचते चलेंगे हम, नाचते चलेंगे हम। देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, कर रहे झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई, टोली आई। थोड़े ही दिनों में फ्लोरा ने शहर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। फ्लोरा का ये खुशनुमा स्वभाव बादशाह के भी दृष्टि में आया। ये लड़की तो बड़ी ही सच्ची और भोली लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। बादशाह ने दोनों की परीक्षा लेनी चाही। उसने जॉन को बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का अंडा थमा दिया और उसे समझाया कि उसे क्या करना है। जॉन के वहाँ से जाने पर बादशाह ने क्लैरी को अपने पास बुलाया। बेटी फ्लोरा, आज अंडे खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या तुम बाड़े में जाके हमारे लिए अंडे ले आओगी? जी मैं क्या हम क्लैरी को ये काम नहीं कह सकते, या फिर जॉन को? क्लैरी और जॉन दोनों ही बत्तखों को सैर कराने नदी के किनारे गए हैं। क्या तुम्हें जाने में कोई एतराज है? जी नहीं, तो मैं अभी जाकर बाड़े में से अंडे ले आती हूँ। क्लैरी अंडे लेने जब बाड़े पर पहुँची, उसे वहाँ पर एक सोने का अंडा दिखाई दिया। हाँ, सोने का अंडा, क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूँ। छोटा जॉन उस पर नजर रखे हुए था। जॉन ये बात बादशाह को बताता है। बादशाह उसे एक और सोने का अंडा देता है, लेकिन इस बार वो फ्लोरा को अंडे लाने कहता है। फ्लोरा को भी बाड़े में सोने का अंडा मिलता है।
लेकिन फ्लोरा वो अंडा बादशाह के पास ले आती है। बादशाह फ्लोरा की ईमानदारी पर बहुत खुश होता है। तुम वाकई में नेक दिल और सच्ची लगती हो, ये अंडा तुम अपने पास ही रखो। अब बादशाह फिर एक बार जॉन को बुलाता है और उसे फ्लोरा का घोड़ा सौंपकर कुछ काम बताता है। दूसरे दिन बादशाह दोनों लड़कियों को अपने दरबार में बुलाता है। बेटी फ्लोरा, आज तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी होने वाली है। हमें तुम्हारे पिताजी की आज बड़ी याद आ रही है। वो एक अच्छे व्यापारी तो थे ही, मगर साथ ही में वो एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आवाज में भी जादू है, क्या तुम हमें कुछ गा के सुनाओगी? मैं? क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें गाना नहीं आता? तुम्हारी ये नौकरानी तो बड़ा ही अच्छा गा लेती है। क्या सच में ये तुम्हारी नौकरानी है या फिर तुम हो इसकी नौकरानी? जी आप ये क्या कह रहे हो, मैं ही फ्लोरा हूँ। खामोश सफेद झूठ, क्या तुम्हें बाड़े में सोने का अंडा नहीं मिला था? सोने का अंडा? तभी जॉन वहाँ पे फ्लोरा की माँ को ले आता है। फ्लोरा की माँ को देख क्लैरी के होश उड़ जाते हैं। क्यों, आ गया ना चक्कर? क्लैरी ये हमेशा याद रखना कि झूठ की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी चिल्लाए, वो सच्चाई को कभी नहीं मिटा सकता। गिरफ्तार कर लो इस झूठी लड़की को और तहखाने में बंद कर दो। क्लैरी गिड़गिड़ाने लगती है मगर सैनिक उसकी एक नहीं सुनते। बादशाह फ्लोरा की माफी मांगता है और उसका हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपता है। बेटी क्या तुम हमें फिर से वही गाना सुनाओगी जो तुम उन बत्तकों के साथ गाया करती थी? देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, करने झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई, टोली आई। देखा आपने, क्लैरी को सजा तो मिलनी ही थी क्योंकि उसकी कहानी झूठी थी। फ्लोरा नेक दिल और सच्ची थी, इसीलिए अंत में जीत उसी की हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितने भी रंग बदले, वो सच्चाई की जगह कभी नहीं ले सकता। हसनपुर गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था जो बड़ा ही मूर्ख था। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था लेकिन उसे व्यापार की बिल्कुल ही समझ नहीं थी। एक दिन उसने मछलियों का व्यापार करने की ठान ली और वो बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए बैठ गया। यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है? अरे भाई अजीब आदमी हो, अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो वो ताजा ही होगी ना, बासी मछलियाँ थोड़ी ना बेचोगे तुम। मुझे लगता है तुम्हें इस ताजा शब्द को काट देना चाहिए। उस ग्राहक के जाने के बाद गंगाराम सोचने लगा। ठीक ही तो कह रहा था वो, ताजा शब्द की क्या जरूरत है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। यहाँ पर मछलियाँ बिकती है, हाँ अब ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आता है। अरे भाई अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो लोग यहाँ पर तुम्हें आलू टमाटर के बारे में तो पूछेंगे नहीं, तो फिर यहाँ पर इन शब्दों की क्या जरूरत है? गंगाराम को उस ग्राहक की बात सही लगती है, वो उन दो शब्दों को भी पोंछ डालता है। मछलियाँ बिकती है, अब ये ठीक है। अरे क्या ठीक है, अब तुम बाजार में मछलियों की टोकरियाँ लेकर बैठोगे तो उन्हें तुम बेचोगे नहीं तो क्या मुफ्त में बांटोगे, अजीब आदमी हो। गंगाराम अब उस ग्राहक की बात मानकर बिकती है इन दो शब्दों को भी मिटा देता है। मछलियाँ अब तो ठीक ही लगता है। राह चलता और एक ग्राहक गंगाराम की तरफ देखकर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे भाई ग्राहकों को क्या तुमने अंधा समझ के रखा है, मछलियाँ लेकर बैठे हो तो ग्राहक तुम्हें मछलियों के बारे में ही पूछेंगे ना। गंगाराम अब हैरान परेशान हो जाता है और उस एक शब्द को भी मिटा देता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वहाँ पर आती है। गंगाराम को वहाँ चुपचाप बैठा हुआ देख वो उस पर गुस्सा हो जाती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा, अरे इस फलक को ऐसे खाली क्यों रखा है, अरे पगले लोगों को कैसे पता चलेगा कि तू यहाँ पर ताजा मछलियाँ बेचने बैठा है। चलो लिखो इस पे, यहाँ पे ताजा मछलियाँ बिकती है। बेचारा गंगाराम अब अपनी बीवी का कहना मानकर फिर से उस फलक पर यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है ऐसे लिख देता है। अब
ठीक है। बेचारा गंगारम फिर से वहाँ पर मछलियाँ बेचने बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल देना। उसे व्यापार की थोड़ी भी समझ नहीं है, ना जाने मेरा क्या होगा।